वेलकम अगेन, और ये है जबरदस्त किस्म का ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी सेगमेंट में हमारे साथ बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट कहूँगी और क्रिएटिव पर्सन कहूँगी, और एक जबरदस्त ब्रांड को करते हैं, वो है प्रेजेंट, वो है कलर कॉस्मेटिक्स गैलेक्सी। और गैलेक्सी से ऑफ कोर्स जब रिप्रेजेंट करें तो एज अ सीईओ इमरान, सॉरी हमारे साथ बट साहब, पेड़ को बट साहब कहते हैं आप, इतने ज्यादा नहीं बट साहब, गैलेक्सी टच बोल, पहले मुझे बताया बट साहब क्यों करवाए मेरे, मुझे एक बार दो दफा जाते हैं ना, हमारे जो है ना स्टार्स बहुत सारे जाओ तो गैलेक्सी प्रेजेंट करते हैं, नाम बड़ा यूनिक सा, और स्टारों की फील्ड में स्टारों जैसा नाम, आपने हमें बहुत ऊपर चढ़ाया दी। अच्छा जी, ऑफ कोर्स ये डिफरेंट ब्यूटिशियन से इनका रब्ता होता है, इनकी कॉस्मेटिक्स वहाँ जाती है, तो हमारे दरमियान डेमोस्ट्रेट के लिए, क्योंकि ये गुफ्तगू करते रहेंगे अपने ब्रांड को थोड़ा ब्रीफ भी करेंगे, हमारे ब्यूटिशियन से इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, तो यहाँ पर मौजूद है हिना जुबैर फ्रेश रोज सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो हिना? ठीक ठाक। क्या बात है जी, आज माशाल्लाह गैलेक्सी को प्रेजेंट कर रहे हो, गैलेक्सी टच को। बिल्कुल माशाल्लाह, इतना अच्छा ब्रांड है, जब हम इसके ऊपर काम करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से इनकी एप्लीकेशंस हो जाती हैं, और बहुत अच्छा ब्लेंडेबल है, तो पहले हमें मुश्किल होती थी ब्लेंडिंग। अच्छा। अब ये है कि बहुत आराम से हम जो ना इसको फौरी से अप्लाई करते हैं और ये ब्लेंड हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, सर बता दें, या तो सर बेस कौन सा सबसे पहले एप्लीकेशन की है? आप ही ना बताओ, आपने करना ठीक, क्योंकि टाइम नाज़िन कम होता है ना, तो हम लोग पहले से थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। देखिए, इनकी ये बेस है जो मूस फॉर्म में है। अच्छा ठीक, वो पैकिंग इसकी दो, असद पैकिंग दो ओरिजिनल। अच्छा जी, ये आ जाए उस साइड से आए, सब टेंशन नहीं, कैमरे से उस साइड से, आप टेंशन ना ले, यस ले आए, स्क्रीन पर आओ। अच्छा असद साहब जो है बड़े कंफ्यूज है। अच्छा देखिए, इस पैकिंग में आता है ये मेकअप बेस है, ठीक है, जो कि ये फुल फेस मेकअप के लिए हम यूज करते हैं, और इसका जो टच है वो बहुत ही स्मूथ है, और जैसे मूज बेस होता है ना जी, जी, तो ये आप ना इसको जरा ज़ूम करो, कैमरा कैप्चर करेगा बेटा, ये देखिए, नहीं ये रहा आपको, ये ठीक सही, तो ये इसको हम, आप जैसे टच से ही अंदाजा हो रहा है कि फौरन हमारी फिंगर में ये क्लिक कर रहा है ना, इसका बॉक्स ऐसे, और इसके बॉक्स देखें इस तरह की पैकिंग में आ रहे हैं, और ये कवरेज बहुत अच्छी देता है। इस तरह से ठीक, ये हमारे पास आता है, और मूस इसका टेक्सचर है, ये बॉक्स मुझे दे दो, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी जो मॉडल थी उसके चेहरे पे एक्ने भी था, तो इससे हमने इसको भी कवर किया, और ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो गया, और बहुत ही कम टाइम में इसने जो है वो बेस हमारा। अच्छा, आप लोगों में सर से कुछ बात पूछती हूँ, सर इसको आप ऐसे कीजिएगा, ये आपने बताया, इससे मुझे बताएं कि ये इसी तरह स्टिल रखिएगा, कैमरा फोकस करेगा, ये बताएं कि ऑयली फेस के लिए, नॉर्मल बेस के लिए, या जैसे कुछ ड्राई है, तो ये आपका जो बेस है वो कहाँ कहाँ बेहतरीन तौर पर यूज किया जा सकता है? ये सबसे पहले तो हमने इसको ना ऑयली बेस जो फेस है ना उनको कवर करने के लिए बनाया, और जितना ये इसका रिजल्ट इस एरिया में ना, जहाँ ज्यादा हीट होती है, मुल्तान से स्टार्ट होकर हैदराबाद कराची में, तो यहाँ ही अली और ये फेस वगैरह की ना शिकायत आती थी, तो उनके लिए हमने बनाया, और जितना अच्छा रिजल्ट हमें इधर से मिल रहा है पंजाब में, तो बहुत और भी बहुत कंपनियां, लेकिन इन्होंने ये कस्टमरों ने बताया कि हमारा ऑयली फेस था, और इनसे कवरिंग भी अच्छी होती है, और जो बेस अक्सर उसमें फटने का मसाला था जी, वो भी नहीं है इसमें, और इसमें जो ड्राई बेस है, ड्राई में भी ये कवर होता है, उससे ये होता है थोड़ी ब्लेंडिंग ज्यादा करनी पड़ती है। टच बेस कहेंगे इसे? ये मेकअप बेस है, मेकअप बेस गैलेक्सी टच जी, मूस में यूज होती है, और ये डायरेक्ट अप्लाई होती है, इसमें पानी से वाटर इस चीज, अच्छा डायरेक्ट एप्लीकेशन है, गुड है, जरूरत ही नहीं, पहले सर वो होता था ना, वो पानी में मिला के वो लगाते थे, वो तो बहुत वक्त करने पड़ते थे, बड़ी बड़ी ऐसे बेस हैं जो इतना कुछ करने के बाद भी एक आधे घंटे में बेस बह जाती बहती है, लेकिन ये स्मूथ,
और ये आम घरेलू जो किचन में काम वगैरह लेडीज करती हैं उनके लिए भी है, ऑयली या बेस, यानी आप मेकओवर करके भी आप किचन में कुछ ना कुछ घर में तकरीब होती है हल्का फुल्का तो लोग करते हैं ना, पार्टी बेस भी है। आम आप बाजार में भी जा सकते हैं लगाकर, नॉर्मल सा जो व्हाइटनिंग क्रीम है ये चीजें लगाते हैं ना उनसे जान छूट जाएगी। जो ऑफिस या जॉब पे जाती है वो हल्का फुल्का मेकओवर इससे भी कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, गुड जी गुड, जबरदस्त। और अच्छा जी मुझे आबिश शहजाद सब, इसके बाद हमारे पास जैसे बेस हुई तो फिर उसके बाद का एप्लीकेशन का कौन सा प्रोडक्ट आप कर समझते हैं कि आप क्या लगता है उसके बाद? असल में हमने इसके ऊपर ये चीज इस बेस में की है कि अगर आप इसके ऊपर फिक्सर ना भी इसको लगाएं, फेस पाउडर भी ना लगाएं, ब्लश ऑन कर लें, हाइलाइटर कर लें और आई शेडो के साथ, माशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने हो जाएगा सारी चीज। आई शेडो की बहुत रेंज है, मैं ये स्क्रीन ये देख रही हूँ टेबल पे, कितने इसके वो हैं, कुछ होते ना कि 12 हैं, 13 हैं, 25, 24, कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। इसमें हमारी जो कैटेगरी अलग अलग है, एक ग्लिटर में है ठीक है, उसके 36 है कलर, और है? जो इंटरफेरेंस शेड है उसके 24 है, ठीक है? और इसमें 3D शेड है जो हमने अभी लॉन्च किया नया, और वो इन सबसे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चीज है, वो भी अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है कि इस चीज के ऊपर भी अच्छी क्वालिटी दे, तो वो दिया। एक हमने इसमें चेंग्स ग्लिटर है वो पार्टी मेकअप में भी यूज होता, तो वो भी हमने अभी लॉन्च किया, जबरदस्त। अच्छा मैं जिस तरह भी मैं आपके हाथों पे कुछ शेड देख रही हूँ, इफ यू डोंट माइंड क्या मैं आपके हाथ में दूं, आप कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? जी, आप अगर ले लें मेरे हाथ में, आप उठा लें तो देख लें आप, कोई मसला नहीं है। यस ये देखिए, अभी हम यहाँ आके जरा समझाएंगे थोड़ा। अच्छा है नाजीन, जब तक वो हमारी हिना जुबैर बेस कर रही है जो भी हम थोड़ा नाजीन को थोड़ा ब्रीफ कर देना, गुड गुड सा हो जाएगा। yes. ये शेड अगर आप कोई भी किसी और कंपनी का लगाते हैं ना तो उसमें लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो ब्लेंड नहीं होता। इसका आपने वन टच लिया, सर आप पीछे होंगे तो आपको क्या वो फोकस वो कैमरा कर रही है इसका। ये मैंने वन टच किया इस पे और ये लगाया आपके सामने, अब इसको ब्लेंड जितना मर्जी करें ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अक्सर ग्लिटर होते हैं वो ब्लेंडिंग करने से जगह छोड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो चुपते भी हैं गिरते भी हैं। अच्छा ये फिक्स हो गए, इसके नीचे कोई जेल लगाने की जरूरत नहीं, कोई कोई चीजें नहीं। हाँ ये उतारने से उतरेंगे लेकिन खुद ब खुद जो उड़ते हैं गिरते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि मेकअप वही होता है जो आसानी से उतर जाए और आसानी से लग जाए। वो नहीं होता कि वो हम कोई दरवाजों वाला पेंट तो नहीं लगाते, वो कहते हैं उतर जड़ जड़ के जैसे गिरने लगते, तो वो चीज नहीं होगा। अलबत्ता ये वो मैंने जैसे ये फिंगर के साथ ये टच किया ठीक है, ये मैंने लगा दिया, यही रिजल्ट होता है इसका। इसको ब्लेंड किया और 24 घंटे लगा रहे, उतरेगा नहीं जब तक आप खुद उतारेगा नहीं, वॉश नहीं करेंगे, तो इससे नहीं है ये चीज होती। कितने आपने ये कलर्स, ये अगर कुछ लड़के जैसे ये तो आपको मेरे ख्याल में डेमोंस्ट्रेट के लिए प्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग आपके इसके बॉक्सेस मिल रहे हैं, आप किस तरह लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं? लाइक ये असल में शॉप पर जाते हैं ना, ये डिस्प्ले होता है शॉप के लिए, वहाँ से परचेज करते हैं नंबरों के हिसाब से, कुछ एक करते हैं दो करते हैं, कुछ पूरी सलोन वाले हमसे पूरे पैलेट भी मंगवाते हैं, जैसे ये मुकम्मल है इसकी पूरी रेंज मंगवा ली। अब इससे हटकर हमने जैसे वो पूरी रेंज एक ही बॉक्स में कर दी है, वो भी सलोन में जाते हैं हमारे, और सिंगल भी लेते हैं, पूरा सलोन भी सलोन में पूरा पैलेट भी जाता है। अच्छा मैं नाज़रीन से कहूँ, तमाम ब्यूटीशियन अगर देख रही हैं इस वक्त ऑन एयर, तो गैलेक्सी की जानिब से आपके लिए गिफ्ट है, प्रोग्राम आप वॉच कीजिए, हम आपसे क्वेश्चन सर आपसे क्वेश्चन करेंगे रेलेवेंट टू गैलेक्सी टच से, और जो सवाल का जवाब दे देगा और जिसने अगर कॉल करके कोई भी ऐसी बात जो रेलेवेंट टू हमारे ब्रांड से होगी, कुछ ऐसी अवेयरनेस उसकी तारीफ या कुछ उसने यूज किया हो, तो उसके लिए गैलेक्सी की टच की जानिब से एक जबरदस्त गिफ्ट है रेडी, बिल्कुल कॉल आपने करनी है। और अच्छा हमारे पास ये तो गैलेक्सी ग्लिटर टाइप के कलर है, एक मैट कलर में देख रही हूँ वहां पर, तो मैट कलर भी मैं चाहती हूँ थोड़ा ब्रीफ हो जाए, और उसके बराबर में क्या चीज है ये डिबिया? ले आए ले, आप ले आए यहीं पर, मुझे पता होता मैं यहीं पर ही लगा लेते इट्स ओके। ये इसको हम ज्यादातर क्रीमी शेड भी बोलते हैं, इंटरफेरेंस शेड भी है, ठीक ठीक। इसमें ये मैट भी है और इसमें थोड़ा सा हल्का सा वो होता है शाइन भी होती है, लेकिन ग्लिटर वाली शाइन नहीं, इसके अपने कलर की शाइन होती है। ओके, और ये भी आप वन टच से यूज कर सकते हैं, इसको हाइलाइटर में भी यूज कर सकते हैं, जबरदस्त, और एज ए आईज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको वाटर से यूज करेंगे जी जी। इसका और ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है, वो स्मूथ हो जाते हैं और उनका कलर की सही शक्ल नुमाया नजर शुरू होती है उसकी, अगर पानी से यूज करें, ब्रश के साथ ना पानी से हल्का सा डिप करें
यानी कि इसको हम तीन एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, हम इसको वो जो अक्सर शेडेड नोज पे ये ग्लिटर्स भी यूज कर सकते हैं, आईब्रो के नीचे भी शेड यूज कर सकते हैं, ऐसा क्या नहीं, और आईज वगैरह पे भी आप इसे, यानी कि तीन चार स्टेप में एक चीज को, और ये क्या चीज है, ये हाइलाइटर और आई शेडो दोनों में अप्लाई होता है। इसके कितने वो है? इसके 10 शेड है और ये भी मुख्तलिफ तरीकों से अप्लाई होता है, यानी कि इसी के ऊपर अगर हम टैप कर दें तो इसका रिजल्ट भी अलग हो जाता है। ये चीजें हो जाती हैं कि इस शेड के ऊपर मैंने अप्लाई की है सर। ये चीज होगी, अगर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हाइलाइटर में तो ये हाईलाइट में भी यूज होगा, अगर डायरेक्ट इसी को आईज के ऊपर यूज करते हैं तो फिर भी आईज के ऊपर भी मुकम्मल यूज हो जाएगा और ये भी ऐसी शाइन रहती है। असल मेन चीज इनकी ब्लेंडिंग और पिगमेंट है, पिगमेंट इनकी अच्छी हो, किसी भी कंपनी की कोई भी आई शेडो ले लें, उनकी अगर पिगमेंट अच्छी नहीं है तो आप खपते रहेंगे उसके ऊपर, बहुत कुछ करने के बाद जाकर एक आईज बनाएंगे। ओके, ये है सारी बात जी नाजी। इस वक्त हमारे पास जो ब्रांड है कलर कॉस्मेटिक्स का वो है गैलेक्सी टच, इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी चल रहा है अगर आप कुछ इनसे मंगवाना चाहें, और आप इन्हें बेशक कॉल कर सकते हैं। और बात हम करेंगे यहाँ पर जी कहाँ तक, अरे वाह भाई वाह निखर के आ गए। अच्छा अभी मैंने इनका जो ना ब्लश ऑन यूज किया है, ठीक है, तो जो कि ये भी क्रीमी टेक्सचर में भी है जिसकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वैसे वो भी सर यही बता रहे थे जो भी सर ने बताया बिल्कुल वही, उसकी जो 6 नंबर है मैंने वो अप्लाई किया है, 600 है वो वाला, 600 है नंबर है वो मैंने अप्लाई किया इनको। तो जैसे हम पाउडरी शेड यूज करते हैं तो कुछ टाइम में देखते हैं कि वो गायब होना शुरू जाता है स्किन पे से ना, तो ये है कि ये गायब नहीं होता और ये बहुत अच्छा फ्लॉलेस लुक देता है और ये बहुत इसकी जो लास्टिंग है वो बहुत ज्यादा है, जबरदस्त। तो मैंने वो अप्लाई किया, अभी मैंने सिर्फ लैशेस लगाया। अभी तो ग्लिटर यूज हुआ नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता कलर नजर आएगा ब्राइट का। जी जी बिल्कुल। चले आप कंटिन्यू करें, आप करते रहे, हम बात करेंगे सर से। अच्छा सर इसके अलावा आप मुझे ये बताएंगे, आपके आई शेडोज भी देख लिए, बेस भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आंखों का मेकओवर करना, इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीजें जो आप समझ रहे हो कि मैं ये अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, नेक्स्ट हमारा कमिंग प्रोजेक्ट में एक चीज आने वाली, वो जरा सा ब्रीफ कीजिएगा जी। असल मकसद हमारा गैलेक्सी टच का ये है कि हम जितनी भी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं उसमें ये होता है कि कम से कम प्राइस में आए, और ये जो चीज़ें ना, ये जो हमने लॉन्च की है जी जी। ये सबसे पहले इनकी ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल रही थी, टोटल बाहर से परचेज करते थे, अगर कुछ लोग बाहर से ले लेते थे और बाकी जो ब्यूटिशियन थी और स्टूडेंट ने वो नहीं इतना अफोर्ड करती थी, ये अब उनके लिए अब माशाल्लाह पूरा पूरा पैलेट भी परचेज करती हैं। एक शेड तो अलग की बात है, पूरा पैलेट। अब जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी ना, वो ये इस तरह के शेड थे, उसमें तकरीबन हाफ करके फिर उसमें हाफ करते थे, फिर इतना पीस लेते। सही सही। तो अभी ये पूरे पूरे पीस परचेज करती हैं उतने में जितने में वो इतना सा पीस लेते थे, तो माशाल्लाह रिजल्ट उनसे भी बेहतर है। ये आप भी चेक कर सकते हैं, उनको भी ला मैं वहाँ बेस मॉडल पे देख रही हूँ, माशाल्लाह हिना जबर जी। हिना क्या लगा रहा है चंदा? देखिए मैंने अभी इनका जो है ये इंटरफेरेंस में 520 520 का नंबर अच्छा, है इनका है। और मैंने इसको थोड़ा सा वाटर में डिप करके अपने हैंड पे लगाया है थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए। अब मैं डायरेक्टली इनके आईज कॉर्नर पे लगाऊंगी जिससे हमारी आईज जो है वो इनहेंसिंग लुक देती है, आईज इससे बड़ी बड़ी लगती है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसको मैंने अप्लाई किया है ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ, इसमें कोई पैच भी नहीं बनाया, और साथ साथ ये जो है बहुत अच्छा सा शिमर लुक दे रहा है आईज के ऊपर, और इससे आईज भी बहुत ज्यादा इनहेंस लग रही है। जबरदस्त। ओके क्लोज में जरा सा आप आईज बंद कीजिएगा सोनिया, और ये देखिए आप इनको आईज क्लोज कीजिए तो देखिए नजर आ रहा है जी। आप लगाए हैं? अच्छा इसके अलावा वैसे इनके वाटर शेड्स और जो है जो पिंक के साथ हैं तो हम पानी के साथ भी कर सकते हैं ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि इनको ग्लिटर भी इसके ऊपर अप्लाई करूंगी तो इसकी जैसे सर ने बताया कि हम उसको बहुत ज्यादा तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, तीन चार हमारे पास इसके मेथड्स होते हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ग्लिटर कब लगेगा, हम देखेंगे। तो हम इसको डायरेक्टली मैं अपने फिंगर के साथ हल्का सा मैं डिप करूंगी पानी में, अपना अपनी जो फिंगर है मैं फिंगर के साथ एप्लीकेशन दूंगी इसको, और लाइटली सा। अच्छा ये होता है जो बड़ी एक्सपर्ट्स भी कितनी हो जाए, देखिए जो बंदा हाथ से काम करता है ना सर जी, आपको भी मैं देख रही हूँ पैसे से करके चेक करें, ये होता है एक्सपर्टीज जो होता है ना उस बंदे की, सारे हाथों में जादू होता है बाखुदा ऐसे से करके। और यही आसानी की है ना इस गैलेक्सी टच ने भी हर किसी के लिए यही आसानी की कि आप जल्दी मेकअप करके जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जी। और जो पार्लर में जिन्होंने लाइनें लगी होती है वो जल्दी वो भी बिजनेस करें, अच्छे तरीके से पैसा कमाए और दूसरे भी घर जाए।
ये एक सच्चाई है जो हमने ऑन एयर बिल्कुल गुड मॉर्निंग विद सभी में प्रेजेंट कर ली, जो रियल बात ये कि हाथों के जो फिंगर से हम लोग टैप करते हैं ना, उसका रिजल्ट ब्लेंडिंग भी बड़ी जबरदस्त ब्लेंडिंग भी अच्छी होती है। Yes, यहाँ पे मैं एक नंबर 440 इनका और 0322 है, इन दोनों को मैं मिक्स करके अपने फिंगर पे लेके डायरेक्टली जो है देखिए मैं इनको अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से, तो ये फौरी तौर पे अप्लाई हो रहा है, ब्लेंड भी हाथ के हाथ हो रहा है हमारे फिंगर के साथ ही। ठीक, अगर हमारे पास बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं तो लाजमी हम एक को लेके बहुत ज्यादा घंटे नहीं लगा सकते ब्लेंडिंग में कि हम उसको ब्लेंड ही करते रहे, तो हम इसको डायरेक्टली जो है वो इस तरह से अप्लाई करते थे, तो ये फौरी तौर पे हमारे लिड जो है वो कवर हो जाती है। लिपस्टिक के बारे में बताइए सर, इसमें लिपस्टिक में भी यूज हो जाते हैं ये वाले शेड और जो अभी जो मैडम लगा रहे हैं इनमें से भी यूज हो जाते हैं। अच्छा, इसी को हम यूज कर सकते हैं, इजी जबरदस्त, और वाटर यानी कि इसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है मैट या क्रीमी शेड्स में कि वो हम इसे लिपस्टिक के तौर पर भी, और उसमें इतने सारे कलर्स, बड़ी बड़ी ग्रीन शर्ट पहनी तो ग्रीन लिपस्टिक लगा लीजिएगा वरना ग्रीन लिपस्टिक अवेलेबल नहीं होती जबरदस्त। इस वक्त नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है आबिद शहजाद साहब, CEO गैलेक्सी टच से, और माशाल्लाह 10 साल से ज़्यादा इस ब्रांड को गैलेक्सी टच को लेके चल रहे हैं। ये कलर कॉस्मेटिक्स जो है बहुत ईजीएस्ट अवेलेबल है, आप किसी भी कलर कॉस्मेटिक्स शॉप पे जाएं, आपको ये तमाम जो प्रोडक्ट है वो ईजीएस्ट आपको ब्यूटिशियंस को, जैसे आप मेरे को मैं कुछ ब्रीफ कर सकते हैं, जैसे हम लोग हुसैनाबाद जाते हैं वहाँ पर वो एक बड़ा शॉप है वहाँ पर मिल जाएगी, और तारिक रोड चले जाएँ, किसी भी जगह पर आप करीमाबाद चले जाएं, मलीर चले जाएं, हर जगह पर जितनी भी कॉस्मेटिक्स शॉप्स हैं आपको ईजीएस्ट गैलेक्सी टच का आपको ब्रांड प्रोडक्ट, जो भी आपको आई शेड्स चाहिए, आपको उनका शेडोज चाहिए, आपको इसका बेस रिक्वायर्ड है, तो आपको ईजीएस्ट मैक्सिमम आपके गैलेक्सी टच में कितने प्रोडक्ट हैं? ये 8 प्रोडक्ट है। अच्छा, फिलहाल मेकअप से ही, ठीक ठीक, इससे हटकर अभी मेरी नेक्स्ट जो प्लानिंग है उसके मेकअप ब्रश की भी है, टोटल रेंज जो उसमें, और इसमें एक मेकअप फाउंडेशन होती है, लिक्विड होती okay, ठीक है, वो भी मैं फ्यूचर प्लानिंग में इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी लॉन्च करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मेन चीज आईज, जो आईज का अच्छी बन जाए ना बाकी मेकअप अच्छा ही लगता, कुछ ना भी लगाए आईज अच्छी बनी हो तो क्या बात है, जीनियस है, इन्होंने आईज पे बड़ा फोकस किया और तमाम रेलेवेंट टू प्रोडक्ट ज्यादातर आईज के ऊपर प्रेजेंट की जा रही है। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।